हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में बिल्कुल मार्केट जैसे ब्रेड पकौड़े बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए इसकी सामग्री देख लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड लिए हैं। जिस मात्रा में आपको लेनी है उस मात्रा में आप ब्रेड की स्लाइसेस ले सकते हैं। मैंने थोड़ी सी एक पिंच भर अजवाइन ली है, चाट मसाला, थोड़ा सा आधा टीस्पून जीरा, कुछ कलियां लहसुन की जिसे मैंने चॉप कर लिया है, ये मैंने हरी मिर्च ली है जिसे मैंने चॉप किया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हरी मिर्च का यूज करिएगा, और ये मैंने सब्जी मसाला लिया है एक टेबल स्पून। आप सब्जी मसाले की जगह धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर भी यूज कर सकती हैं। एक कटोरी मैंने यहाँ बेसन लिया है, ये मैंने हरी धनिया लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये मैंने लिया है मीठा वाला सोडा यानी खाने वाला सोडा। ये मैं केवल एक पिंच भर यूज करूंगी, एक पिंच से ज्यादा नहीं यूज करना है। और साथ में लेंगे आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और साथ में लेंगे थोड़ा सा चावल का आटा, और ये मैंने लिए हैं कुछ बॉईल किए हुए आलू जिसे मैंने पेल आउट कर लिया है। तो चलिए अब हम आलू में सारी सामग्री डालते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग तैयार करने से पहले हम गैस पर कढ़ाई को रख देंगे और उसमें ऑयल डाल देंगे ताकि ऑयल गर्म हो सके। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी और उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल यूज किया है। आप जिस ऑयल का यूज करते हो आप उसका यूज कर सकते हैं। जब तक हमारा ऑयल इधर गर्म होता है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम आलू में सबसे पहले जीरा डालेंगे, उसके बाद क्रश किए हुए लहसुन डाल देंगे, हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जी मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक, हरी धनिया। सभी चीजें डालने के बाद अब हम आलूओं को मैश कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आलूओं को मैश कर लिया है, अब स्टफिंग रेडी हो गई। इसके बाद हम बेसन का बैटर बनाएंगे। बेसन से बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल ले लिया है, और अब हम उसमें जो हमने एक कटोरी बेसन लिया था वो डाल देंगे, साथ में डाल देंगे अजवाइन थोड़ी सी, एक पिंच के करीब। अजवाइन डालने के बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अब हम एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। ये देखिए, इस स्टेज तक हमें बेसन का बैटर बनाना है, ना बहुत पतला होना चाहिए और ना बहुत थिक होना चाहिए। बैटर बनाने के बाद अब हम इसमें एक पिंच भर मीठा सोडा ऐड कर देंगे, देखिए, और इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, बैटर बनकर रेडी हो गया है। अब चलिए हम ब्रेड पकौड़े बनाते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए पहले हम एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर हम स्टफिंग लगा देंगे। अच्छे से स्टफिंग लगाइएगा। ये देखिए, उसके बाद हम दूसरी ब्रेड इसके ऊपर रख के अच्छे से इसको प्रेस कर देंगे और एक नाइफ से इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम बैटर में डीप करेंगे। बैटर
बैटर में डीप करने के लिए पहले जो हिस्सा हमने कट किया है, जो खुले हुए हिस्से हैं, उन पर बैटर को ऐसे लगा लेंगे, उनको बंद कर देंगे बैटर से, नहीं तो ऑयल इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद बेसन से ऐसे इसको कोट कर लेंगे और ब्रेड को अब हम तेल में ये देखिए ऐसे डाल देंगे और दोनों साइड लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे पलट पलट कर। ये देखिए हमने ऑयल में ब्रेड पकौड़े डाल दिए हैं, ऐसे ही हम सारे ब्रेड पकौड़े बनाएंगे। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए और लाइट ब्राउन होने तक इसको हम पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड पकौड़े दोनों साइड से लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड पकौड़े बनकर रेडी हो गए हैं। मैंने इसे सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, किसी चीज के भी साथ सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए पकौड़े बिल्कुल मार्केट जैसे बने हुए हैं और ये क्रंची भी हैं। ये देखिए अभी गर्म बहुत हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये ब्रेड पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये ब्रेड पकौड़े की रेसिपी पसंद आई हो और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।